हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत सारा बात किया और खूब सारा उसके बारे में नॉलेज गेन किया। आज हम समझने वाले हैं कि कैसे हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब तुम बोलोगे, सर ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, नहीं आपने ऑलरेडी मेथड, कंस्ट्रक्टर इन सब में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना सिखा दिया है, नए सिरे से आप क्यों शुरू कर रहे हैं? बच्चे, ये तुम्हारा टॉपिक है, अब हमको पढ़ाना है, ठीक है? इसीलिए ये चैप्टर का हिस्सा है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे दोबारा। वैसे इसमें कुछ चीज़ें जो आप पहले से नहीं जानते थे उन सब चीज़ों को जान जाओगे, कुछ नए टर्म्स ऐड होंगे, उन टर्म्स को समझेंगे आप, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने के लिए मिलेंगी। तो बिना टाइम को और वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बात जब आता है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट से हम क्या समझते हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी था, तो इसके बारे में हमने कल बात कर लिया है और दोबारा उसी चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करने का मन है मुझे, बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करूँगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्ट को कहा जाता है इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को कहा जाता है इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लास का एक इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब होता है कॉपी, राइट? तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं किसी क्लास के, हाँ हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया होगा वो ऑब्जेक्ट उस क्लास का एक इंस्टेंस होगा, कॉपी होगा। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली में हम किसे क्रिएट करते हैं? एक्चुअली में हम उस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो इस इंस्टेंस क्रिएट करने का जो प्रोसेस है इसे हम एक नाम देते हैं और इसे हम कहते हैं इंस्टेंशिएशन। इस पूरे प्रोसेस को जहां हम किसी क्लास का इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसे हम लोग इंस्टेंशिएशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है और ये इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टेंशिएशन एक वर्ड हुआ और एक हो गया हमारा इंस्टांस, इंस्टांस हुआ और एक हो गया हमारा इंस्टेंशिएशन। तो इंस्टेंशिएशन बेसिकली एक प्रोसेस है और इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का प्रोसेस कहलाता है इंस्टेंसिएशन। तो अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, जो आप नए बच्चे हैं, जो आप लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, जहां पर हम आपको मालूम नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, तो आप लोगों के लिए स्पेशल है, थोड़ा देख लीजिए कि हम जब भी हम क्लास सॉफ्टवेयर के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, नॉर्मल लाइफ का जो क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये ऑब्जेक्ट है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्लव्स एक ऑब्जेक्ट है, वॉच एक ऑब्जेक्ट है, स्पेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे पास, हम लोग जस्ट उसका यूज कर रहे हैं। बट जब हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, वहां पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं रहते, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है उस पर्टिकुलर क्लास का। तो हमें कैसे करना होगा उसको क्रिएट? तो उसके लिए मुझे लिखना होता है एक सिंटैक्स, मैं यहां सिंटैक्स लिखता हूं। सबसे पहले आपको लिखना होता है जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उस क्लास का नाम, क्लास नेम, और उसके बाद एक स्पेस दे करके, मैं इसे कॉनिकल ब्रैकेट से घेर देता हूँ, और एक स्पेस दे करके आपको लिखना होता है अपने ऑब्जेक्ट का नाम यानी कि ऑब्जेक्ट नेम, फिर इक्वल टू न्यू कीवर्ड, एंड फिर अगेन हमारा क्लास नेम, राइट? और फिर यहां पर दो ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस। तो ये पूरा एक लाइन जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं।
तो अब इस सिंटैक्स को और बेहतर समझने के लिए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान ले आपके पास कोई भी एक क्लास, अज्यूम कर ले आप मन मन में कोई भी एक क्लास को मान ले, जैसे कि लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट क्लास मतलब ये वाला क्लास नहीं, पिछला वाला वीडियो, हाँ वहाँ पर हमने एक प्रोग्रामिंग का क्लास क्रिएट किया था और उस क्लास का नाम था स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं सपोज स्टूडेंट नाम का एक क्लास ले लेता हूँ और स्पेस दे करके ऑब्जेक्ट का नाम, तो सपोज S1 यानी कि स्टूडेंट वन इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, अगेन होगा तो क्लास नेम मैं फिर से दे देता हूँ स्टूडेंट, फिर दो पैरेंथेसिस, फिर ये सेमी कॉलन। तो ये हमारा पूरा हो गया उसका एग्जाम्पल जहाँ हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एक स्टूडेंट नाम के क्लास का। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें होंगी आज के इस वीडियो में, तो अब हम एक प्रोग्राम करते हैं, आपको एक क्लास क्रिएट करना सिखाते हैं कि क्लास क्रिएट कैसे करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीख लिया जहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का क्लास है, बट ये स्टूडेंट नाम का क्लास को हम क्रिएट कैसे करेंगे उसको भी सिखा देते हैं। चलिए देखते हैं कि हम लोग किसी क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब बात आती है क्लास की, तो सबसे पहले हमें क्लास का सिंटैक्स जानना जरूरी है कि कैसे करके हम लोग किसी क्लास को क्रिएट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लास का सिंटैक्स में सबसे शुरू में लिखना होगा क्लास, एकदम जैसा मैंने लिखा है वैसा ही, और नहीं ऐसा सी जैसा सी मैंने लिखा है वैसा ही एकदम लिखना है ऐसा नहीं है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि सारे लेटर्स स्मॉल लेटर में है तो आपको भी स्मॉल लिखना है, ऐसा नहीं कि हम सी ऐसा लिखे हैं तो आपको भी ऐसा लिखना है, मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास जितने भी लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर में हैं, तो आपको भी अपना जो प्रोग्रामिंग होगा वहाँ पर ये स्मॉल लेटर में ही लिखना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये एक बेसिकली कीवर्ड होता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में हमारे चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी वीडियो, थोड़ा सा देख लीजिए कष्ट करके। चलिए ठीक है, अब ये कीवर्ड लिखने के बाद हमें लिखना होगा, मतलब कि ये कीवर्ड लिखने के बाद, कीवर्ड कौन सा? क्लास, क्लास इज अ कीवर्ड। लिखने के बाद स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद हम यहां पर लिखेंगे क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम, ऑल राइट। फिर यहां ब्रैकेट स्टार्ट होगा और यहां पर ब्रैकेट क्लोज होगा। तो ये टोटल हमारा सिंटैक्स है जहां हम लोग एक क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। अब इस क्लास के अंदर में क्या क्या होगा, कौन कौन से कंटेंट्स होंगे इस क्लास के अंदर में, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। तो हमने यहां पर क्या किया, एक क्लास क्रिएट किया, किस नाम का पता नहीं, तो चलिए एक नाम का क्लास क्रिएट करते हैं। सपोज हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले क्लास नाम का कीवर्ड दे दिया हमने, ये क्लास नाम का कीवर्ड, फिर क्लास नेम सपोज कर लेते हैं टेस्ट नाम का क्लास दे देते हैं, फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, बस बन गया हमारा क्लास। क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। ठीक है, तो ऐसा आप कोई भी क्लास का नाम दे सकते हो। क्लास का नाम देना आपको ऐसा नहीं है कि मैं टेस्ट दिया हूं तो आपको भी हर बार टेस्ट देना है, ऐसा नहीं है। टेस्ट देना है मतलब ये नाम टेस्ट देना है, एग्जाम का बात नहीं कर रहे हैं, राइट? ऑलराइट, एनीवेज, तो आप यहाँ पर जो क्लास का नाम है वो कुछ भी रख सकते हैं आपके मन के हिसाब से, बिकॉज इट इज नोन एज आइडेंटिफायर। किसी भी क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, मेथड का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम, ये सब जितने भी नाम रखे जाते हैं जावा में, इसे हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि वैसे कुछ नेम्स जिससे हम किसी कीवर्ड को या किसी हाँ कीवर्ड को पहचान रहे होंगे उसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो टेस्ट है ये एक आइडेंटिफायर है। अब ये जो क्लास बन चुका है टेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा? तो सिंपल बात है, हम इस क्लास के अंदर में लिखेंगे टेस्ट, सबसे पहले क्लास का नाम, फिर सपोज टी इक्वल टू, फिर न्यू, फिर टेस्ट, फिर ब्रैकेट, फिर सेमी कॉलन, दैट्स इट। हो गया हमारे यहाँ का ऑब्जेक्ट क्रिएट, किसका? टेस्ट नाम के क्लास का। बात समझ में आया? बिल्कुल। अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं जहां पर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट का रियल रिलेशन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए उस एग्जांपल को देखते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम है परफॉर्मेंस। ठीक है, क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है परफॉर्मेंस। ऑल राइट,
मतलब क्लास का नाम है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब सब आपको पता होगा, किसी भी एग्ज़ाम वगैरह में जो परफॉर्म करता है बच्चा लोग, बस उसी के बारे में है परफॉर्मेंस। और इसके अंदर में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिया है इस क्लास का, जैसे कि हमने लिया है नेम, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑफ कोर्स हमारा जावा, ठीक है। तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये परफॉर्मेंस नाम के क्लास का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा मेंबर। वेरी गुड। कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं डेटा मेंबर्स। और इसके कुछ बिहेवियर भी होते हैं क्लास के, तो चलिए क्लास कुछ बिहेवियर ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक बिहेवियर है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नाम का एक बिहेवियर है। और क्लास का जब हम एक प्रोग्रामिंग में क्लास का जब बिहेवियर्स को क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास ये दो ब्रैकेट भी होने ज़रूरी हैं। उस बिहेवियर के साथ दो ब्रैकेट्स होना ज़रूरी है। यह क्यों होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और एक बिहेवियर ले लेते हैं कैलकुलेट नाम का बिहेवियर, और एक नाम ले लेते हैं डिस्प्ले नाम का बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर है इसे हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में? इसे हम लोग कहते हैं मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन, वेरी गुड। और ये हमारा हो गया क्लास खत्म, दैट्स इट। तो हमने एक नॉर्मल क्लास क्रिएट किया जहां पर कुछ डेटा मेंबर्स हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्लास, रियल वर्ल्ड में समझाता हमने। और वैसे ही कुछ बिहेवियर्स हैं जिसे हम लोग कहते हैं मेंबर फंक्शन। अब मेरा एक सवाल यहाँ आता है कि हम जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब सिनारियो कैसा होगा? तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस परफॉर्मेंस नाम के क्लास का। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले परफॉर्मेंस यानी कि क्लास का नाम, फिर लिखता हूँ मैं स्टूडेंट वन इक्वल टू न्यू परफॉर्मेंस, फिर ये पैरेंथेसिस, दैट्स इट। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट वन नाम का। चलिए एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं परफॉर्मेंस, क्लास नेम, और मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट टू इक्वल टू न्यू परफॉर्मेंस, दैट्स इट। हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए किस क्लास के? परफॉर्मेंस नाम के क्लास का, क्लियर। जैसे कि हमने कल बात किया था कार अगर कोई क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा होंडा BMW, राइट। तो परफॉर्मेंस अगर कोई क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू, ठीक है। अभी मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आप समझिए अच्छे से। ये जो मेरा परफॉर्मेंस नाम का क्लास हुआ, ठीक है, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं। फिलहाल मैंने दो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया है, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट वन और दूसरे का नाम है स्टूडेंट टू, राइट। दो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी जो मेरा ये क्लास का डेटा मेंबर्स है वो ये भी यूज करेगा, वो ये भी यूज करेगा, सही बात है। वैसे ही कुछ मेंबर फंक्शंस हैं जो कि ये भी यूज करेगा और ये भी यूज करेगा, यानी कि जो क्लास का कैरेक्टरिस्टिक है उन कैरेक्टरिस्टिक्स को उनके ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और उनका जो बिहेवियर होता है उसे भी उसके क्लास के ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे कि मैं कल को बात किया था कि कार का कलर होता है, सारे कार के कलर होते हैं, लेकिन होंडा का कलर डिफरेंट, BMW का कलर डिफरेंट, सारे कार के इंजन होते हैं लेकिन होंडा का इंजन डिफरेंट और BMW का इंजन डिफरेंट। तो वैसे ही ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इस क्लास के लिए है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट होंगे, इसके जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, तो इनके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट फोर, स्टूडेंट फाइव, स्टूडेंट सिक्स, स्टूडेंट सेवन, इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बन सकता है। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सारे ऑब्जेक्ट ये सब चीज को फॉलो करेगा, बट हर एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो होगा ना इन सब का वो डिफरेंट होगा। कैसे? देखिए सपोज नेम नाम का जो कैरेक्टरिस्टिक है यूज कर रहा है स्टूडेंट वन, इसका नाम है
अमित, और यही नेम नाम का कैरेक्टरिस्टिक यूज कर रहा है स्टूडेंट टू नाम का ऑब्जेक्ट, इसका नाम है सूरज। तो हुआ डिफरेंट, हालांकि यूज दोनों कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक का यूज दोनों कर रहा है, दोनों के पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट उनके वैल्यूज डिफरेंट हैं, यानी कि दोनों के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। आगे देखिए क्या है, फिजिक्स जो है इसका मार्क्स मान लीजिए 90 है, और इसका जो फिजिक्स का मार्क्स है सपोज 95 है, तो दोनों ही फिजिक्स नाम का कैरेक्टरिस्टिक को यूज कर रहा है, बट इसका वैल्यू डिफरेंट, इसका वैल्यू डिफरेंट। और ये स्टूडेंट वन कहाँ से आया, ये स्टूडेंट वन यहाँ से आया है, यानी कि ये सारे जो वैल्यूज हैं मतलब कि डेटा मेंबर्स वो इसके लिए भी हैं, और यही सारे डेटा मेंबर्स इसके लिए भी हैं। आई थिंक नाउ यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास। देख रहे हो कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में। अभी आगे देखो केमिस्ट्री, इसके भी मार्क्स जो होंगे, इसके भी मार्क्स सपोज इसका 70 है और इसका केमिस्ट्री का मार्क्स 90 है, इसका बायोलॉजी का मार्क्स सपोज कर लो 100 है, इसके बायोलॉजी का मार्क्स सपोज कर लो 75 है, इसके जावा का मार्क्स सपोज कर लो 90 है, इसका जावा का मार्क्स सपोज कर लो 95 है। अब मुझे बताओ कि दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू जो यहां से क्रिएट हुआ है, दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है, बट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में सेम है क्या? नहीं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपस में डिफरेंट है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों का। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, इसके जो बिहेवियर है दैट मीन्स कि मेंबर फंक्शंस जो हैं वो कैसा होगा, तो आप मुझे एक बात बताइए, ये एक्सेप्ट नाम का जो मेंबर फंक्शन है यानी कि बिहेवियर है, इसका क्या बिहेव होगा, एक्सेप्ट करना का क्या बिहेव होगा? ये एक्सेप्ट करेगा किसी भी वैल्यू को, एक्सेप्ट करेगा किसके लिए, स्टूडेंट वन के लिए भी और स्टूडेंट टू के लिए भी। यानी कि ये एक्सेप्ट नाम का जो बिहेवियर है यानी कि फंक्शन है वो इसके लिए भी होगा, वो इसके लिए भी होगा, मतलब स्टूडेंट वन नाम का ऑब्जेक्ट भी इसका इस्तेमाल करेगा वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए, और स्टूडेंट टू नाम का फंक्शन भी ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करेगा इसको वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट? कैलकुलेट नाम का एक हमारे पास मेंबर फंक्शन है यानी कि बिहेवियर है। कैलकुलेट का बिहेवियर क्या होगा, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जावा का मार्क्स आया है कैलकुलेट करके टोटल निकालेगा, तो इस टोटल को निकालने के लिए ये भी इसको इस्तेमाल करेगा और ये भी इसको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि दोनों के लिए तो इस कॉमन होगा ये, है ना। चलो अभी इसका बात करते हैं, डिस्प्ले करने का मतलब क्या है कि जो भी रिजल्ट होगा उसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले का बिहेवियर हो गया किसी भी रिजल्ट को डिस्प्ले करना, तो उसके लिए ये भी इसको इस्तेमाल करेगा और ये भी इसको इस्तेमाल करेगा। पॉप में क्या था कि फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट थे, यूनिक फंक्शंस थे सबके, लेकिन डेटा जो था वो सबका कॉमन था, ग्लोबल डेटा था। यहाँ डेटा दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, यूनिक डेटा है, और ये अलग अलग फंक्शन नहीं, एक ही फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा है, सेम फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा है। आई थिंक तुमको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्लास और ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, तुमको समझ में आया होगा आप जा करके। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट का प्रोग्रामिंग के फील्ड में कैसा इंपॉर्टेंस है और ये किस तरीके का वर्क करता होगा। ये एक फंडामेंटल लेवल का बात है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट का बात है। इसके बाद हम लोग आगे जाकर के और भी बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले होंगे। वैसे तो तुमको पता ही है क्लास कैसे बनाते हैं, उसके अंदर में क्या क्या होता है, फिर भी चैप्टर का डिमांड है तो हमें दोबारा समझना होगा इसको अच्छे से। और इसी बहाने आपका थोड़ा सा क्लास ऑब्जेक्ट का जो एक प्रॉब्लम था, एक कंफ्यूजन था, वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हम अगर देखें तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, जहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा, ऑब्जेक्ट का एक नाम होता है इंस्टांस, वो जाना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसे इंस्टेंशिएशन कहते हैं, उसको हमने जाना, फिर क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके डेटा मेंबर का और मेंबर फंक्शन का, उसके स्टूडेंट नाम के जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ क्या रिलेशन है, ये भी हमने समझा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे पास जो है क्लास और ऑब्जेक्ट का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गया होगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे तुमसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।